वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें। बेसिक कंसेप्ट का मतलब वर्किंग रूल से, ठीक है ना। वर्किंग रूल सबसे पहला काम तो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। बस ये इस तरीके से बात याद रखनी है कि फंक्शन लिखेंगे, इसका मतलब है कि एक रिलेशन तो गिवन होगा, सही बात है ना, और दूसरे रिलेशन का नाम है फॉर्मूला जिसका हमें पता हो, ठीक है ना। या फिर कहो कि कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। एक कंडीशन गिवन होगी, एक का पता होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कहो इसी को कह सकते हो जनरल नॉलेज, सही बात है ना। और इसके बाद सीधी सी बात है, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से न्यूमेरिकल के डिवाइड 14 इंटू टू पार्ट्स, ठीक है ना, दो पार्टों में डिवाइड करना है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन किस तरीके से? अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ी ना अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा? फॉर्मूला होता कब अप्लाई? जब मतलब कोई रेगुलर शेप की बॉडी हो, सही बात है ना, रेगुलर शेप की बॉडी हो। लेकिन अब थोड़ी ना यहाँ पर किसी तरीके की, अब 14 को दो पार्टों में डिवाइड करना, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज यूज होगी। जैसे एक लेंथ है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ यहाँ पर जैसे 14 है, टोटल लेंथ कितने है 14, सही बात है। उसको दो पार्टों में कट करना है, यहाँ पर दो पार्टों में कट करना है, कहने का मतलब जैसे अब जरूरी थोड़ी ना कि इक्वल ही पार्ट होंगे, सही बात है। मान लो कि पहला एक्स है, इस तरीके इतना सोचे ना बस, पहला एक्स है तो ये दूसरी कितनी बचेगी, जो बाकी की लेंथ है ये कितनी होगी, इसको एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब मान लो कि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की मान लो कि 10 है, ठीक है। और अगर पहले पार्ट की अगर 3 हो तो दूसरे की कितनी होगी, दूसरे की तो 7 होगी ना। और इस 7 का दूसरा नाम टोटल में से ये पहला वाला पार्ट कैंसिल या मतलब माइनस कर दो, सही बात है ना। इस 7 का दूसरा नाम, सेम बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना कि दूसरा वेरिएबल लेके चले, क्यों? क्योंकि इसकी टोटल लेंथ 14 है, बस इसी का नाम है जनरल नॉलेज, इतना सोचना हमें। तो दूसरा वेरिएबल 14 माइनस एक्स, ठीक है। इस पहले फंक्शन लिखोगे कब? जब एक वेरिएबल की बात हो, ठीक है ना। लेकिन एक वेरिएबल होगा कब ये बात? जब डिफरेंशिएशन करोगे, फिर बात करनी है एक्चुअल में तो एक वेरिएबल वाली, सही बात है ना। एक वेरिएबल की बात कब करनी है? जब डिफरेंशिएशन। ये बात मतलब इस बात का ये मतलब नहीं कि कभी फॉर्मूले में ये बात कह देंगे कि फॉर्मूले में, कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूले में जरूरी थोड़ी ना एक वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तो सॉल्यूशन इसी तरीके से, बस इतना पता होना चाहिए था हमें, ठीक है ना। अगर पहला पार्ट है एक्स ले, हाँ यहाँ पर ये जरूरी थोड़ी ना कि एक्स लेके चलो, वाई लेके चल सकते हो, ये चॉइस है, ठीक है। तो अब लेट करके चलेंगे कि पहला पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट कितना है एक्स या फिर वाई मानो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट कितना बच जाएगा, देर फोर, ठीक है ना, कितना बचेगा, टोटल थी 14, तो सेकंड अपने आप 14 माइनस एक्स बच जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, बस इतना सोचना है, ठीक है। कभी इसी तरीके का न्यूमेरिकल और तीन पार्ट की बात हो जाए तो तीन पार्ट की, जैसे इसी यही न्यूमेरिकल हो तीन पार्ट की बात करें, ठीक है ना। तो मान लो कि पहला पार्ट है जिसकी लेंथ है एक्स, दूसरे की वाई मानेंगे, सही बात है। और टोटल थी जैसे यहाँ पर 14 है, तो तीसरे की कितनी बच जाएगी, तीसरे की, सीधी सी बात है 14 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, इतना सोचना है, सही बात है ना। हाँ ये चॉइस है कि पहले पार्ट को एक्स मान लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा कि इसको एक्स मानो या फिर इसको एक्स मानो, सही बात है ना, इस वजह से बस इतना सोचना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये कंडीशन अपने आप आ गई, मतलब जनरल नॉलेज से कि सेकंड पार्ट की लेंथ इतनी होगी, ठीक है। अब सच दैट किसको मैक्सिमाइज करना है, बस उसी का नाम होता फंक्शन, ठीक है ना। तो जिसको मैक्सिमाइज करना प्रोडक्ट को, ठीक है, अब साथ के साथ प्रोडक्ट को पी मान लो, ठीक है ना, प्रोडक्ट है पी, इस तरीके से। और प्रोडक्ट किसकी, इनकी, जो दो पार्ट है, तो दो पार्ट कौन कौन से हैं, पहला एक्स है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू में सेकंड पार्ट की लेंथ इतनी 14 माइनस एक्स, सही बात है। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मैक्सिमम चेक करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जैसे रिलेशन आ चुका है या फिर कहोगे फंक्शन आ चुका है, ठीक है, और ये सारा फंक्शन यहाँ पर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है एक्स, सही बात है ना। अगर तीन पार्ट का, जैसे तीन पार्ट में हो और यहीं पर इसी तरीके से कंडीशनों की देर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब चेक करो ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट पी,
तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स इंटू वाई इंटू में 14 माइनस है एक्स प्लस वाई, तीनों की मल्टीप्लाई तो ये है, सही बात है ना। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, सही बात है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक वेरिएबल एक्स तो एक्स के, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना ये बात अप्लाई कर सकते हो कि एक्स मतलब कहने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर एक्चुअल में तो तीन पार्टों में कट हुआ लेकिन सिर्फ दो वेरिएबल आए, दो वेरिएबल क्यों आए, क्योंकि उसने टोटल लेंथ की बात की इस वजह से, सही बात है ना। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, सीधी सी बात तो ये है, मतलब जैसे दो वेरिएबल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक और रिलेशन होना चाहिए, सही बात है ना, तभी तो यहाँ पर मतलब एलिमिनेट कर सकोगे, सही बात है ना, मतलब या फिर कहो कि सोल्व कर सकते हो, या फिर कहो कि एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, इस तरीके से मतलब था, ठीक है, बस इतना सोचना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो प्रोडक्ट का, पी है जैसे पी मान लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो बस यहाँ पर। अब इसके लिए तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन आना तो कंपलसरी था, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा किस तरीके से, यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा, बस इतना सोचना है, क्यों, पहले में एक्स है हमें मतलब सिर्फ एक्स से, वाई लेके चलोगे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स पहले पार्ट में दूसरे में मल्टीप्लाई, तो इसलिए यू इंटू वी है, यहाँ पर भी एक्स है कहीं ना कहीं, इतना सोचना था, ठीक है। यू इंटू वी का कैसे होता है डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज एक्स एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा 14 माइनस एक्स का, सबसे पहले 14 का, एक्स कहीं पर भी नहीं है इसलिए जीरो, बात काम किया पर एक्स कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना, 14 में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, माइनस एक्स का, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, फिर आता प्लस का साइन फॉर्मूले की वजह से यू इंटू वी का, ठीक है। और अब की बार उल्टा कर दो कि दूसरा एज इट इज और पहले वाले का कर दो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो 1, सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर 14 माइनस एक्स इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से जैसे 14 माइनस टू एक्स, ठीक है। अब इससे अगला काम कि पी, सीधी सी बात है जो प्रोडक्ट है पी, ठीक है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए सीधी सी बात है इसको, सीधी सी बात है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दो, ये इस तरीके से भी कह सकते हो कि फोर क्रिटिकल वैल्यू, इसी बात को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये मतलब क्रिटिकल वैल्यू कहते कब हो, जब मतलब कोई सिंपल फंक्शन हो, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि फंक्शन में मतलब लेंथ की बात हो रही है या फिर कहो कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, इस वजह से, ठीक है, मतलब पी मैक्सिमम और मिनिमम होगा कब, जब ये कंडीशन हो, मतलब इस तरीके से जीरो पुट करो, जो भी रिजल्ट आए, जो भी पहले डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आए उसको जीरो पुट कर दो डायरेक्ट, इस तरीके से। और यहाँ से बस कैलकुलेशन है, 14 इज इक्वल टू 2x और x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये आंसर था, ठीक है ना। हमें तो मतलब दो ऐसी लेंथ चाहिए, डिवाइड करना था, सबसे पहला काम तो यही है ना, दो न्यूमेरिकल है यहाँ पर, डिवाइड करो 14 को, मतलब वो कौन से मतलब कितनी कितनी लेंथ होगी, तो मतलब एक्स निकालो, तो एक्स कितना है 7, तो मतलब पहली लेंथ 7 है, दूसरी भी 7 बच जाएगी, वो एक अलग बात है, इक्वल पार्ट वाली कंडीशन आ चुकी है, ठीक है ना, वो मतलब वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से, और इसीलिए कहा था हमने कि जो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहला डिफरेंशिएशन आंसर के काम आएगा, सही बात है ना, यही तो चाहिए था, यही तो है वो आंसर, सही बात है। और दूसरा डिफरेंशिएशन सीधी सी बात है वो इस मैक्सिमम और मिनिमम के काम आएगा। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम आएगा, अब ये बात खुद सोच के देखो, मैक्सिमम कब आता है कि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एफ डबल डैश एक्स पर, सही बात है, जीरो से छोटा हो मतलब नेगेटिव हो तो तभी आएगा मैक्सिमम, ये बात हमें पता होनी चाहिए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन है डबल का मतलब डी स्क्वायर पी, इस तरीके से मतलब है, प्रोडक्ट का करना एक बार और, सही बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, 14 माइनस 2x का, 14 में कहीं पर भी x नहीं है, जीरो, माइनस का साइन 2 और x का होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से, ठीक है। और ये रिजल्ट कितना आया, माइनस 2, हमें मतलब है सिर्फ साइन कन्वेंशन से, ये बात याद रखनी है, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम चेक करोगे सिर्फ साइन कन्वेंशन से मतलब है, माइनस 2 है तो एक नेगेटिव, सही बात है, और नेगेटिव इस तरीके से मतलब जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव, सही बात है। तो यहाँ से डायरेक्ट कह देंगे कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है,
क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, बस इस तरीके से कंडीशन चेक करनी है। और एक और बात, डबल डिफरेंशिएशन अप्लाई कब करते हो? जब पहला डिफरेंशिएशन किसी वैल्यू पर जीरो आए, सही बात है ना, किसी वैल्यू पर, मतलब एक्स का कोई रिजल्ट। इस तरीके से सेवन पुट करके देखो, कहाँ पर पुट करके देखोगे? ये वाला सेवन यहाँ पर, पहला डी पी बाई डी एक्स का तो यही नाम है, एफ डैश एक्स भी कह सकते हो, या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो 14 माइनस टू एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह सेवन पुट करके देखो, तो 14 माइनस टू इंटू सेवन, 14 माइनस 14 जीरो। और इसलिए डायरेक्ट एक्चुअल में तो ये बात होती है, मतलब ये कंडीशन है दूसरे डिफरेंशिएशन की। लेकिन सीधी सी बात है, जब न्यूमेरिकल्स ऑन मैक्सिमा और मिनिमा की बात करोगे प्रॉब्लम्स के केस में, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सही बात है ना, तो वहाँ पर सीधी सी बात है इस कंडीशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, कि इस कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप होगी, ठीक है, इस वजह से। तो इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर इसका दूसरा तरीका भी कह सकते हो कि अगर सिर्फ पहला डिफरेंशिएशन अप्लाई करना चाहते हो, मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम होगा कब? जब इस तरीके का केस हो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से बात करो तो प्लस से माइनस, मतलब फंक्शन शुरू में इंक्रीज हो रहा हो, बाद में डिक्रीज, जैसे लेफ्ट और राइट लिखते थे तो प्लस, ये प्लस का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, बस इतना सोचो ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट सेवन आया रिजल्ट, एक्स की वैल्यू कितनी आई? सेवन, रियल नंबर लाइन पर सेवन है, जैसे सेवन के लेफ्ट में, ठीक है ना, लेफ्ट में, लेफ्ट में का मतलब इससे मतलब छोटी वैल्यू, जैसे 6.9 और राइट में 7.1, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट की बात करते हैं, मतलब कोई छोटा सा इंटरवल, इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 6.9 रखोगे कहाँ पर? हमें तो मैक्सिमम का मतलब है चेक करना, और चेक करोगे तो सीधी सी बात है सिर्फ डिफरेंशिएशन से पता चलता है चेक करने का, ठीक है। तो ये 6.9, मतलब एक बार 6.9 पुट करो पहले डिफरेंशिएशन में, अगर सिर्फ पहले डिफरेंशिएशन का यूज करना चाहते हो तो, ठीक है, यहाँ पर पुट करके देखो, एक्स की जगह 6.9, मतलब एफ डैश 6.9, सही बात है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन होगी 14 माइनस 2 इंटू, जब सोल्व करके देखो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन से मतलब हमें तो, और एक बार एफ डैश राइट का, राइट का मतलब क्या है कि इस सेवन से जस्ट राइट, जैसे 7.1, इस तरीके से 7.1 पुट करके देखो यहाँ पर, तो 14.1, सही बात है ना, सेवन जैसे 14.2 होगा, 14 माइनस 14.2 मतलब माइनस 0.2, या फिर कहो नेगेटिव, और मतलब प्लस से नेगेटिव, लेफ्ट से राइट, अगर केस ये आ जाए, प्लस से माइनस का केस आ जाए, इसी का नाम तो होता है लोकल मैक्सिमा, सही बात है ना, किसके हिसाब से? फर्स्ट डेरिवेटिव के हिसाब से, मतलब सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ फिर ये बात हो जाएगी, मतलब लेफ्ट और राइट चेक करना चाहते हो, वो चॉइस है इस वजह से, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।